चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सिल्वर के फ्यूचर्स के बारे में। और यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के एक ताबड़तोड़ जो यहाँ पर मोमेंटम देखने मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सिल्वर के फ्यूचर्स को देखते हैं तो मोटा मोटी यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर मैंने आपको कल ही सेशन में बताया कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा जो है देखने को मिल रही है अपसाइड एज वेल एज डाउनसाइड के अंदर। और ये चीज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है एक प्योर इंटीमेशन जो देखने को मिल रही है यहाँ पर जो है एक प्योर यहाँ पर हमें जो अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर अभी तक फॉर्म होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर हमें सिल्वर के फ्यूचर्स के अंदर। बिकॉज जो यहाँ पर थोड़ा बहुत टेंशन ग्लोबल टेंशन और यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट जो है प्लस माइनस हो रहे हैं। और उसके बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सिल्वर के फ्यूचर्स के अंदर जो यहाँ पर हमें मोटा मोटी डाउनसाइड मोमेंटम जो है देखने को यहाँ पर मिला है। अगर यहाँ पर कोई नई लॉन्ग पोजीशन बनाने की अभी अगर अगर आपकी यहाँ पर तमन्ना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें जो है एटलीस्ट वेट करना चाहिए इस प्राइस बैंड का। 73,400 का जो प्राइस लेवल रहेगा अपसाइड के अंदर अगर ये ब्रेक कर जाता है तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाई जा सकती है। और शॉर्ट पोजीशन के लिए रिस्क अगर यहाँ पर आप ले सकते हो 71,200 के प्राइस बैंड के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल जाती है तो यहाँ पर आप जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और यहाँ पर सिल्वर के फ्यूचर्स के बारे में जो इंटरडेट का यहाँ पर हमने आपको लेवल्स बताया वो मददगार रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।